नमस्कार, न्यूज फॉर यू में आपका स्वागत है। हमारे देश भारत में इन दिनों कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है। देश की सेवा की भावना इन दिनों सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर देखी जा सकती है। गरीब और भूखे लोगों को मदद करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। आइए मिलते हैं राजेश प्रसाद से, जिन्होंने 21 दिनों के लॉकडाउन में आसपास के लोगों को मदद करने तथा खाना खिलाने का बीड़ा उठा रखा है, ताकि कोई भी मजदूर या व्यक्ति भूखा ना रहे। समाज के उत्थान के लिए काम करें और जो भी हमारे देश में विकट संपत्ति संकट आती है उसके लिए हम कार्य करें। अभी हमारे देश पर एक बहुत बड़ा प्रकोप आया हुआ है, कोरोना। आप सभी जानते हैं कोरोना से निजात पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना सुरसा की तरह मुँह फैलाकर हमारे समाज में हमारे मनुष्य को निगल रही है। इसका कोई अभी तक इलाज नहीं हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एक हम लोग को सही तरीका बताया है कि लॉकडाउन करके कि अपने घर में रहें, ताकि इस बीमारी से निजात पा सके। इस क्रम में हम लोग एक काम शुरू किए हैं, क्योंकि हमारे जो भी मजदूर वर्ग हैं लॉकडाउन के चलते सारे ऑफिस सारे काम बंद पड़े हुए हैं, उनके खाने की उनके सामने समस्या आई है। मैं लक्ष्मण विहार गुड़गांव में रहता हूँ। मैं अपने कॉलोनी के अपने स्ट्रीट के जो भी हैं सदस्य हैं उनके साथ मिलकर मैं इनके खाने का प्रयोग मैं इंतजाम किया हूं, और पिछले 30 तारीख से इनको हम लोग 14 तारीख तक खाने का प्रबंध किए हैं, और शाम के वक्त इनको करीब 150-200 आदमी को हम लोग खाना मुहैया करा रहे हैं, ताकि ये भी हमारे वर्ग के हैं, ये भी अपना जीवन यापन कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने अनुसार यदि हमें कोरोना को भगाना है तो हमें घर में ही रहना है, ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। और दूसरी और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अकेले मिलकर नहीं हो सकता है, ये सबका सहयोग से ही हो सकता है। और बड़े बड़े से जो महाशक्तियाँ वाले देश हैं इससे परेशान हैं। अमेरिका जो सुपर पावर कहा जाता है वो इससे निजात पाने में असफल हो रहा है। चाइना में इटली कितना हमसे छुपा हुआ नहीं है। ये देश इतने डेवलप हैं, उसके बाद भी इस बीमारी से काफ़ी ग्रसित है और डेली दिन प्रतिदिन मरने की खबर आ रही है। इसलिए इसे निजात पाने के लिए हमें जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है इस पर अमल करना हमारा बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सके। हमारे देश के चाहे वर्ल्ड के जितने भी वैज्ञानिक हैं साइंटिस्ट हैं इसके इलाज के लिए इस बीमारी को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। अभी सफल नहीं हुए लेकिन फिर भी हम सफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इसका इलाज है डिस्टेंस बनाना, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि एक दूसरे के संक्रमण में न आकर हम एक दूसरे को बीमारी नहीं फैला सकें। और इसका सबसे बड़ा उपाय है हम अपने घर में रहें। बहुत जब जरूरी हो जैसे मेडिकल काम हो गया या राशन हो गया उसमें ही हम निकल सकते हैं, नहीं तो जितना अवॉइड करें हम बाहर निकलने के लिए, ताकि हम अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकें। अभी कल की बात है, परसों की बात है, मोदी जी हम लोग को एक आह्वान किए हैं कि 5 अप्रैल को रात को 9:09 के लिए हमें दिया मोमबत्ती टॉर्च जलाना है, ताकि इस बीमारी को पर निजात पा सके। ये हमारी एकता को दर्शाएगा, और एकता से बड़ा बल कुछ भी नहीं। यदि हम ठान लें कि इस बीमारी से हम निजात पाना है और इस पर विजय पाना है, तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी बता रहे हैं उनके रास्ते पर चलना है, ताकि हमारे देश के में जो भी बीमारी संक्रमण फैला हुआ है उस पर हम विजय पा सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और यह वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।